कैसे हम मार्केटिंग करें ताकि हम भी अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाए, उसके कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका है अट्रैक्टिव कंटेंट। बहुत जरूरी है कि जब भी आप मार्केटिंग के लिए आप कोई कंटेंट बनाने के बारे में सोचो तो आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जो थोड़ा सा कस्टमर के लिए अजीबो गरीब हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर ब्लास्ट करते हैं, है ना, उन लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता है और आपको एक मैसेज आता है। हम में से ज्यादातर लोग उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करते या पढ़ते ही नहीं है। पता है क्यों? बोरिंग कंटेंट, 20% ऑफ, 10% ऑफ, 50%, और हम सबको पता है कि ये सब ठीक है, हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है। अब ये तरीका गलत हो गया, अब ये तरीका पुराना हो गया। मैंने पहले ही बताया 10 साल पहले और आज के जमाने में फर्क है, तो अब ये तरीका काम नहीं करता। तो आपको कुछ अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्ड्स और पिक्चर्स कुछ ऐसे करने पड़ेंगे ना, कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे जो लोगों को लगे यार ये कुछ अलग है। जैसे कि मानो क्या है, है क्या प्रोडक्ट, क्या है, शूज है। पता है चौक जो आता है ना हम बोर्ड पर, उस चौक से रस्ते पर बनाया हुआ है, कहां पे, रोड पे, ऐसे कुछ पिक्चर्स और ऐसे कुछ कंटेंट। समझो, ये चीजें आपके कस्टमर को ना ध्यान आकर्षित करती है। मैंने बताया अब वो जमाना गया, 20% ऑफ, 50% ऑफ, सबको पता है तुम बेवकूफ बना रहे हो। आज पता है बड़े बड़े होर्डिंग लोग लेते हैं 90% ऑफ, और अब कस्टमर ये समझता है 90% कोई डिस्काउंट नहीं देता है, आप कुछ ट्रिक यूज कर रहे हो, और इसीलिए अब कस्टमर उससे अट्रैक्ट नहीं होता। आपको कुछ और करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे बाहर ही ऐसे ही पिक्चर लगाया था उल्टा, कम से कम एक दिन में 50 लोग खड़े होकर वो ऐसा देख रहे थे, और जिसने लगाया था उसको फोन किया, भाई तुम्हारे मार्केटिंग वाले बंदे ने गलत तरीके से उल्टा लगा दिया है। और जिसने मार्केटिंग के लिए ऐड दिया था वो यही सोच के खुश हो रहा था कि चलो कितने लोग उसको देख रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में मेरी बात तो बैठ रही है। तरीका अलग होना चाहिए, कुछ कंटेंट आपके अलग होना चाहिए। जैसे कि समझो, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। ऐसा अभी मैं ना बता रहा था, लास्ट हमने डिस्कस किया था, एक बार क्या हुआ, ऐसा बड़ा लिखा था, क्या है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, फ्री वाईफाई हॉट बर्गर, लेकिन लोगों को दिख क्या रहा था, और इस चक्कर में हजारों लोग उस दुकान में आए, चलो सर फ्री बर्गर दे रहे हो तो चलो दो, फिर उनको लेकर जाए सर फिर से पढ़वाओ, ध्यान से पढ़ो, तब यहां लिखा था फ्री वाईफाई हॉट बर्गर। तो कंटेंट आपका ना अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, और जब तक अनयूजुअल चीजें नहीं होगी ना तब तक आपका कंटेंट जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग, मतलब कस्टमर का ध्यान। मैंने आपको शुरू में ही कहा मार्केटिंग मतलब ग्राहक को आकर्षित करने वाली
हर एक्टिविटी को मार्केटिंग कहते हैं, जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। आज के समय कितने सारे लोग कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करें, आप अगर देखोगे ना, खाली ध्यान दोगे ना, आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी ना। और याद रखना, जो नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है ना, उसी का धंधा चल रहा है। जो नया तरीका अपना रहा है, उसी का धंधा चल रहा है। वही चीज चल रही है अभी। आप लोग देखो, ये ड्रीम इलेवन वाले, ये क्या ना, माई इलेवन सर्कल वाले, क्या क्या चीजें कर रहे हैं और अट्रैक्शन हो रहा है। आप उनको छोड़ो, चलो वो एक बड़ी कंपनी है, अब छोटी छोटी कंपनीज को देख लो, कितनी सारी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। ये सब तरीके हैं। आप कुछ अट्रैक्टिव नहीं करोगे ना, आपका कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। आपका कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। अभी पता है, अपने क्लाइंट है, उन्होंने क्या ऑफर निकाली, जितना सोना ले जाओगे उतना चांदी फ्री। मतलब आपने 10 ग्राम सोना लिया तो 10 ग्राम चांदी फ्री। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी पता है हमारा चल रहा है ना, ये नवरात्रि शुरू होगा ना, तो नवरात्रि में क्या ऑफर निकाला है, 20,000 की खरीदी पर नवरात्रि के गरबे का एक पास फ्री। समझो, पानी पूरी वाले क्या निकालते हैं पता है, 50 पानी पूरी खा लो आपका बिल फ्री, लेकिन 50 नहीं खा पाओगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। और इस चक्कर में कितने सारे लोग उसके वहां पानी पूरी खाने जाते हैं, और कितने लोग 50 पानी पूरी खा पाते होंगे। अभी आप लोगों ने एक सुना होगा, बाहुबली थाली है ना, तो बाहुबली थाली मतलब है। अब इसमें कौन सा खर्चा है यार, वो सिंपल से ये बताते हैं, भाई थाली आपने खा लिया तो हमारी तरफ से आपको फ्री और हमको इनाम भी देंगे। लेकिन मानो कि 100 लोग आते हैं, 100 में से 99 लोग नहीं खा पाते, तो उनको पैसा तो देना, उसका धंधा तो हो रहा है ना। एक बंदे ने खा लिया तो उसको फ्री देने में उसको कितना खर्चा हुआ, बट एक खाने के चक्कर में कितने आए। ये मार्केटिंग, इसमें कौन से पैसे की रिक्वायरमेंट। मैंने बताया, आज आपको वो पुराना तरीका है ना, वो छोड़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम आपके लिए सोच सकते हैं ऐसे कंटेंट। अगर आपको चाहिए तो हमें एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं होगा ना, तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं लेगा।